अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड आवर लास्ट चैप्टर ऑफ एसेस इन आवर ऑफलाइन क्लासेस एंड यू ऑल नो दैट। सो टुडे आई विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम आवर थर्ड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, दैट इज अर्थक्वेक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अर्थक्वेक, एंड अर्थक्वेक इज जनरल मीन्स द शेकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी अर्थक्वेक किसे कहते हैं कि जनरल अगर हम सिंपल मीनिंग उसका निकालें तो अर्थक्वेक का मतलब है कि जमीन का यानी कि अर्थ का शेक करना यानी कि ध्रुजना, हिलना। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक इज फेल्ट। इट्स मेजर एरियाज आर द रीजन्स विद वीकर रिलीफ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थक्वेक कैसे होता है? तो अर्थक्वेक जनरली अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें ज़मीन के ऊपर के पार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये अर्थक्वेक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जो एरिया वीक होते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर का ऐसा एरिया जो वीक होता है, कमज़ोर होता है, वहाँ पे ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है। प्रोबेबल अर्थक्वेक रीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बट एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी कि जिसका अंदाज़ा लगाना, जिसका भविष्यवाणी करना, यानी कि हम अर्थक्वेक के रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे हुआ है, कैसे हो सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन अर्थक्वेक के जो अर्थक्वेक का जो अंदाज़ा है, जिसकी हम जो कह सकते हैं हम भविष्यवाणी की, जो हमारा नेचर डिपार्टमेंट है वो करता है, मौसम की हमें रोज़ मौसम के बारे में बताता है, कल ऐसा मौसम होगा, परसों ऐसा होगा, तो उसका अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसको हम पहले से नहीं बता सकते कि ये इस दिन और इस जगह पे होगा। थस मच डैमेज इज कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोरकास्ट। और इसी की वजह से, पहले से जानकारी न मिलने की वजह से अर्थक्वेक के से जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते नहीं है। ना व्हाट टू डू, यानी कि अर्थक्वेक अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक स्टे बीनिथ अ लार्ज बेंच और अ टेबल। यानी कि अगर अर्थक्वेक आए तो बड़े सा टेबल या बड़ी सी बेंच हो उसके नीचे बैठ जाना है। इफ़ यू आर इन अ स्कूल सीट बीनिथ अ बेंच, अगर आप स्कूल में हो उस वक्त अर्थक्वेक आया हो तो बेंच के नीचे आपको बैठ जाना है। इफ़ यू आर इन एन ओपन स्पेस स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बालकनीज, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। अगर आप खुली जगह में हो उस वक्त, यानी खुले मैदान में आप खड़े हो उस वक्त अगर अर्थक्वेक आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बालकनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खंभा हो उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर उसके पास आप खड़े होंगे और अर्थक्वेक की वजह से वो गिर गया तो आपके ऊपर गिर सकता है। इफ़ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल देन ब्रिंग योर व्हीकल टू अ हेल्ट और ओवर और बिलो अ ब्रिज। यानी कि अगर आप व्हीकल चला रहे हो उस वक्त अर्थक्वेक आए तो ब्रिज के नीचे आपको रहना है। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, पावर लाइन्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल से अपने व्हीकल को दूर रखना है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे से व्हीकल को दूर रखना है। रिमेन सीटेड इन योर व्हीकल टिल द अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर नॉट ओवर। ट्रेमर्स यानी कि हिलना, शेक करना। तो जब तक अर्थक्वेक बंद न हो जाए तब तक आपको अपने व्हीकल में बैठे रहना है। इवन आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर ओवर, फ्यू थिंग्स लाइक फ्रिज, फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल, सेलिंग फैंस एक्सेट्रा मे फॉल डाउन आफ्टरवर्ड, सो कीप अवे फ्रॉम देम। यानी कि ऐसा बहुत बार पॉसिबल हो सकता है और हुआ भी है कि अर्थक्वेक भले बंद हो जाए, अर्थक्वेक ख़त्म हो जाए, फिर भी उसकी थोड़ी देर बाद अचानक ही फैन पंखे गिर जाते हैं या फ्रिज गिर जाता है, दीवार पर से फ्रेम गिर जाती है,
क्यों? क्योंकि उसकी असर थोड़ी देर तक रहती है। तो भले अर्थक्वेक ख़त्म हो जाए, अर्थक्वेक बंद हो जाए, फिर भी आपको फ्रिज से, फोटोग्राफ से, फैन से, इन सब से दूर रहना है। फॉर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस अबाउट द इवेंट लिसन टू द लोकल रेडियो, यानी कि न्यूज़ के लिए आपको रेडियो सुनता रहना है। न्यू बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड अर्थक्वेक प्रूफ। अगर आप कोई न्यू बिल्डिंग बना रहे हो तो बनाते समय ही उसको पहले से ही अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है आपको, जिससे फ्यूचर में अगर अर्थक्वेक आए तो आपकी बिल्डिंग को कुछ ना हो सके। अब है व्हाट नॉट टू डू, यानी क्या नहीं करना है अर्थक्वेक के समय। Do not shout or flee in a panic, यानी डर की वजह से हमें चिल्लाना नहीं है। Do not attempt to prevent the things falling down after the earthquake tremor, यानी कि जो चीज़ें नीचे गिर गई है उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, बचाने की। Do not use elevators to go down, यानी कि लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है नीचे जाने के लिए। If you are in a house, do not stand near wooden cabinets, shelves, mirrors or a glass चैनलर, यानी अगर आप घर में हो और अर्थक्वेक आया है तो कबाट के पास, मिरर के पास आपको खड़े नहीं रहना है। डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक और अ लाइटर और डू नॉट स्विच ऑन इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स बिफोर कंफर्मिंग दैट द कुकिंग गैस इज नॉट लीकिंग बिकॉज लीकिंग गैस में एक्सप्लोड, यानी कि पहले आपको ये चेक करना है कि आपका गैस का जो बॉटल है वो लीकेज नहीं हो रहा है। अगर क्योंकि अगर लीकेज हो रहा हो और आप लाइटर सरगाएँ या फिर जलाएँ या फिर मैच स्टिक जलाएँ तो उससे विस्फोट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। डू नॉट पुट अ फोन सेल अनलेस एमरजेंसी, डू नॉट पुट अ फोन सेल अनलेस फॉर एमरजेंसी मेडिकल हेल्प फॉर अर फायर। प्रॉब्लम फोन कॉल में इंटरप्ट टेलीफोन नेटवर्क विच में ऑब्स्ट्रक्ट रिलीफ वर्क, यानी कि बिन जरूरी के फ़ोन कॉल्स नहीं करने हैं हमें। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार कि बहुत कंटिन्यूसली नेटवर्क बिजी आने की वजह से नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, नेटवर्क नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइम में फिर क्या होता है कि ऐसे टाइम में क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होती है वहाँ पे वो लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी और से कंटिन्यूसली नेटवर्क बिजी आ रहा होता है। इसलिए ये नहीं ज़रूरी कि फ़ोन कॉल्स हमें नहीं करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अर्थक्वेक के बारे में इन्फॉर्मेशन कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सभी प्रिकॉशंस और सभी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से याद कर रखने हैं तो एग्ज़ाम के साथ साथ अपने रियल लाइफ में भी आपको काम आ सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर है सुनामी, उसके बारे में हम अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।